अब बोल के बोलेगा क्या है क्या नहीं है। इधर आइए, बोलिए, आप बैठिए बैठिए पेशेंट के सामने बोलिए। मेरी माँ बहुत बीमार है और आयुष्मान भारत के तहत मेरे पास कार्ड भी है, उसको देखिए। हम जाके ये कार्ड ले आए कि मेरा माँ का इलाज हो जाएगा, सरकार ने जो योजना बनाई उसके तहत। और इनको दम्मा का बीमारी है, हार्ट में भी प्रॉब्लम करता है। तो मुझे नहीं मालूम था कौन कौन सा हॉस्पिटल अभी दे रहा है इसका सुविधा, इसलिए मैं कल गाड़ी करके अपना पैसा से मेरी माँ को डॉक्टर ब्रजेश कुमार को दिखाया। ये है उनका पूर्चा, ठीक है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कुछ थोड़ा सा ऑक्सीजन देके थोड़ा सा राहत दिलाए और बोले कि आपका कार्ड बना है तो मेडिका में सुविधा आपको मिल जाएगा, ये बोले सर। वहाँ का मैं पे की और सर कुछ दवा भी लिख दिए। ये है उनका पूर्चा। कितना पे किया वहाँ पर? मैं 600 रुपया पे की डॉक्टर ब्रजेश कुमार को। वहाँ तो मान लिया आयुष्मान भारत के, अभी हम बता रहे हैं, डॉक्टर ने मुझे मेडिका भेज दिया। तो मेरे पास गाड़ी था और तबीयत बहुत खराब, गाड़ी आपने किराए पे बुक किया था। और मैं सोची कि तब मेडिका जाके आती हूँ, अगर ऑक्सीजन देने से मेरी माँ को थोड़ा राहत हो जाएगा और कार्ड मेरे पास है, इसलिए मैं ये कार्ड अपना लेके वहाँ गई और वहाँ का स्टाफ से बात की कि आयुष्मान भारत के तहत क्या आप सुविधा दे रहे हो। तो कहता है ठीक है, आप पहले इलाज करा लीजिए, 600 रुपए जमा कीजिए, इलाज कराइए, डॉक्टर बोलेगा एडमिट तो एडमिट में सारा खर्च फ्री होगा, ठीक है। इसके बाद में 600 रुपया का देखिए वहाँ का ये है पूर्चा, वहाँ में 600 दे के डॉक्टर राजेश कुमार को दिखाई और ये है उसका पूर्चा डॉक्टर राजेश कुमार का। वो आपसे 600 रुपया लिया, ये है बिल उसका, मैं बिल भी दे रही हूँ, ये है 600 रुपया का बिल जो राजेश कुमार को दिखाने के लिए बोला गया, ठीक है। और ये है डॉक्टर राजेश कुमार का पूर्चा जिन्होंने एडमिट के लिए मेरी माँ को लिखा, ऑक्सीजन चाहिए इसमें लिखा हुआ है मेडिका हॉस्पिटल, मेडिका में, ठीक। जब ये 600 रुपए ले भी लिया, डॉक्टर मेडिका एडमिशन के लिए बोल भी दिए, मुझे भर्ती केंद्र में भेजा गया। मैं जब भर्ती केंद्र में गई तो वहाँ बोला गया कि बेड खाली नहीं है। तो मैं बोली कि आयुष्मान भारत के तहत बना है और मेरी माँ को अभी ऑक्सीजन का जरूरत है तत्काल, तो कोई स्ट्रक्चर में बैठा के भी मेरी माँ को ऑक्सीजन थोड़ा सा दे दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, आपको मैं हाई कैटेगरी का बेड नहीं दे सकती हूँ और जनरल वार्ड खाली नहीं है, इसलिए आप लेके जाइए, जब फोन कीजिएगा जब बेड खाली होगा तब लेके आइए। कितना दिन में? 3 दिन भी लग सकता है, सप्ताह भी लग सकता है। अच्छा, तब तक मरीज की क्या स्थिति होगी उसका कोई उन लोगों को कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं, हम क्यों देखेंगे प्रधानमंत्री का। अच्छा, तो प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान भारत जो दे रहा, प्राथमिकता क्यों देंगे, हम तो बिजनेस के लिए बैठे हैं। अच्छा, इस तरह हॉस्पिटल उन्होंने कहा, हम तो बिजनेस के लिए बैठे हैं, हम इसको क्यों देंगे, वार्ड रहता खाली बेड रहता तो दे देते। तो आयुष्मान भारत जो अभी मोदी जी का है ये लगता है फेल हो गया। मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से फेल है, क्योंकि मैं एक लाभुक हूँ और मुझे लाभ नहीं मिला, मेरे जैसे जागरूक को तो कैसा है, क्या वो जो दबे कुचले और दबंग लोग है, पीड़ित लोग है, वो क्या ये लाभ ले पाएगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। मैं कोर्ट का PL भी हूँ, मैं अपना कार्ड भी दिखाई, कभी भी उन्होंने मेरा मुझे लाभ नहीं दिया गया। तो क्या वो सुदूरवर्ती क्षेत्र लोगों को क्या 5 लाख का सुविधा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सब सिर्फ मीडिया में देना चाहती हूँ मेरा वक्तव्य को, और इसको उजागर करना बहुत जरूरी है। उस समय 80 किलोमीटर फिर मैं मेरी माँ को लौटा के लाई और आज मेरी माँ का स्थिति बद से बदतर है। देखिए खटिया में सोई हुई है मेरी माँ और देखिए मैं घर में अपना इलाज करा रही हूँ, तो फिर क्या फायदा हुआ आयुष्मान भारत का। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अनिमा मल्लिक। अनिमा मल्लिक, आप कहाँ से हैं? तमाड़। तमाड़ कौन सा टोली? कोठारी बंधु चौक तमाड़। अच्छा, देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं भी उनका पूछताछ कर रही हूँ कि आयुष्मान भारत के तहत मोदी जी क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। आप लोग ने आपको देखी और उनका मुंह से सुने कि किस किस तरह से डॉक्टर लोग पैसा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा भी लिए और देखिए पहले बोलते हैं एडमिट हो जाएगा,
हाँ पहले बोलते हैं देखिए एडमिट, अब 600 रुपए जमा कीजिए, 600 रुपए लिए भी हाँ, उसके बाद बोला सीट नहीं। तो आप कह सकते हैं कि ये आयुष्मान भारत पूरी तरह से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शायद पूरी तरह फेल हो चुका है। शायद ये लोगों को ठगने का एक जरिया है। 2019 में मोदी सरकार अपने लोगों के दिलों में झूठ मूठ का जगह बनाना चाहती है जी। हो सकता है इसी वजह से लोगों को झूठा दिलासा दिया जा रहा है। और भी बहुत सारा की योजनाएं हैं, पेशेंट का भी क्रिटिकल स्थिति, हाँ पेशेंट का भी देख रहे हैं क्रिटिकल स्थिति है। मैं उनका उनसे पूछ रही हूँ और अब साफ ही देख ही रहे हैं पेशेंट का क्या स्थिति है। ऑक्सीजन चलने से शायद मेरी माँ भी तक ठीक हो जाती। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए तमाड़ में भी सुविधा नहीं है जो मैं ऑक्सीजन दे। हाँ अरे तमाड़ में भी हम सामुदायिक केंद्र का हाँ हम लोग निरीक्षण किए, वहाँ की स्थिति भी पूरा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। भी अगर ऑक्सीजन रहता तो मेरी माँ को कुछ राहत मिलता। डॉक्टर बिल्कुल नहीं थे, नर्स भी बिल्कुल नहीं थे, पूरा जितना भी कक्ष था वहाँ सब खाली था, कोई डॉक्टर नहीं कोई नर्स नहीं, और पूरा वहाँ शायद सुविधा स्वास्थ्य सुविधा ना होने की वजह से वहाँ मरीज भी नहीं थे, पूरा वहाँ रूम खाली था, एकादुका मरीज था, कोई नहीं चाहता कि